अफगानिस्तान के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। अफगानिस्तान में तालिबान कहर बरपा रहा है। आम जनता देश छोड़कर जाने को मजबूर है, तो वहीं अफगानिस्तान में भारतीय मूल के भी कई नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भलवनी गांव निवासी हैं, जो परिस्थिति खराब होने के बाद अफगानिस्तान में ही फंस गए थे, लेकिन अब नीतीश सही सलामत अपने वतन अपने गाँव लौट आए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ किस कदर है, ये देवरिया पहुंचे नीतीश कुमार गुप्ता के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो तालिबान शब्द का नाम लेने तक में खौफजदा हैं। नीतीश की वापसी से उनके परिजन और ग्रामीणों में खुशी का माहौल बना हुआ है। नीतीश के पिता भारत सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के हरकत में आने के बाद ही काबुल में फंसे नीतीश की वतन वापसी का रास्ता साफ हो सका है। उनका बेटा सही सलामत अपनों के बीच में है। यही कहना चाहूँगा, हमारा लड़का घर पर आ गया है, हम लोग को बहुत खुशी है। इसमें भारत सरकार का भी सहयोग है। धन्यवाद देंगे हम सरकार को, मोदी जी को, भारत सरकार को, योगी जी को और मीडिया वालों को। भले ही नीतीश घर लौट आए हैं, लेकिन अफगानिस्तान का जो मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद नीतीश खौफ में है। उनके चेहरे पर भी खौफ साफ तौर पर दिख रहा है। नीतीश कहते हैं, मैं अपने वतन लौट आया हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। हाँ, पासपोर्ट दिखाया गया, बोर्डिंग वोर्डिंग का काम चालू हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे, मतलब 21 तारीख हो गया, तो 21 तारीख को हम लोग फ्लाइट के अंदर बैठे, तकरीबन 2:30 बज रहे थे, तो हम लोग लंबी कतार में खड़े थे। उसके बाद से धीरे धीरे सबको अंदर करके लेके गए, तो वायुसेना का विमान था, उसी में बैठ के हम लोग आए हैं। उसके बाद से गाजियाबाद हम लोग की फ्लाइट लैंड हुई है, C-17 ग्लोब मास्टर ऐसे कुछ थी फ्लाइट, वायुसेना विमान थी, इसमें टोटल सब अपने इंडियन कर्मचारी थे, पायलट से लेके जो भी हुए। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का भी और अमित कुमार जी का भी, सबके सहयोग से हम आज यहाँ पे अपने इंडिया भारत पहुँचे, अपने घर हैं। कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है हमें, हम बहुत खुशहाल हैं अभी घर पे आने के बाद। नहीं, ये पुनः जाने वाली बात और न जाने वाली, वो तो वक्त की बात है। अगर हालात सही हो गए तो हम उस कंपनी में काम किए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम तो दोबारा जा भी सकते हैं, वीजा है। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट जाने देगी तब जाएंगे, ऐसे नहीं कि हम चोरी छुपे जाएंगे दबाव में। सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए हम यही कहेंगे कि जिस तरह से इस हालात में इंडियन को भी बुलाया है और अफगानिस्तान के नागरिकों को भी बुला के शरण दे रहा है, तो एक तो अच्छी पहल है कि सबसे पहले इंडियन को देख रहा है कि हमारा कंट्री का आदमी लोग उधर फंसा है। तो हम तो सरकार को बहुत अच्छा मानेंगे, मोदी सरकार को, क्योंकि आज उन्हीं की जो भी है उन्हीं की मदद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। राहुल उपाध्याय, देवरिया, क्विक न्यूज़।